हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। क्लास फोर एक्सरसाइज है जी 11.1। स्टूडेंट 11.1 शुरुआत करने से पहले जिसने दो वीडियो नहीं देखी, जो प्रीवियस की वीडियो थी, दो वीडियो बनाई थी हमने, तो अगर आप उनमें आप लोगों ने वो वीडियो देखी होंगी तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगी है ना। तो अगर किसी कारण आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है जी। फिर बाद में एक्सरसाइज 12.1 को कीजिएगा। राइट द फ्रैक्शनल नंबर फॉर द शेडेड पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है हमें उसकी हिंदी समझ लेनी चाहिए, कि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कराना क्या चाहता है आपसे, तब तक आप उसे कर नहीं सकते, ठीक है जी। तो जी सबसे पहले हमें क्वेश्चन ही समझना चाहिए, अगर हमें क्वेश्चन अच्छी प्रकार समझ में आ गए तो हम आंसर दे सकते हैं, है ना। अदरवाइज अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता तो आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा, राइट द फ्रैक्शनल नंबर, इनके लिए फ्रैक्शनल फ्रैक्शन लिखनी है आपको, भिन्न लिखनी है ना, फ्रैक्शन लिखनी है फॉर द शेडेड पार्ट, जो शेड्यूल पोर्शन है, हिस्सा है, पोर्शन माने हिस्सा भाग, उसके लिए आपको बनानी है। तो देखिए जो भी शेड्यूल पार्ट होते हैं, अगर शेड्यूल पार्ट के लिए कहता है तो शेड्यूल पार्ट ऊपर आते हैं। अगर कुछ बुक ऐसी होती है जिसमें अनशेड्यूल के लिए भी कह देता है कि अनशेड्यूल पार्ट की पोर्शन बनाइए, तो आपको अनशेड्यूल पार्ट ऊपर लिखने होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया है शेड्यूल पार्ट के लिए बनाना, यानी कि जो भी शेडेड है, कलर्ड है, उन पार्ट को आप काउंट करके ऊपर लिखेंगे। देखिए जैसे ये बॉक्स है तो इसमें 1, 2 बॉक्स है, और 1 शेडेड है, जो भी शेडेड पार्ट होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो भाई शेडेड पार्ट कितने हैं हमारे पास, 1 है, और टोटल पार्ट कितने है, 2 है, तो हम 2 को इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये फ्रैक्शनल नंबर लिखेगा 1/2, है ना। तो ये 1/2 है। अब दूसरे वाली में देखिए शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 है, तो 1 को आप ऊपर लिखेंगे, और टोटल पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, जितने भी टोटल पार्ट होते हैं वे नीचे लिखते हैं, ठीक है। और सब में ऐसे ही करना होता है, ठीक है जी। तो ठीक है, तो 1, 2, 3, तो 3 तो आप ऊपर लिखेंगे। अब 1, 2, 3, 4, टोटल पार्ट 4 है, 4 नीचे लिख देंगे। 1, 2, 3, 3 आप ऊपर लिखेंगे, यानी 4, 5, 6, 7, 8, टोटल पार्ट 8 है ना। शेडेड और अनशेडेड दोनों को प्लस करके नीचे लिखता है, डेनोमिनेटर बनता है। जो शेडेड पार्ट होता है यानी कि कलर पार्ट होता है वे ऊपर लिखे जाएंगे ताकि वे न्यूमरेटर बन सके। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए राइट इफ द गिवन फ्रैक्शन आर लाइक और अनलाइक। नीचे जो आपको फ्रैक्शन ग्रुप दिए गए हैं आपको उनमें से बताना है कि ये लाइक है या अनलाइक है, है ना। तो आपने लाइक और अनलाइक की डेफिनेशन याद कर रखी होगी, है ना। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, लाइक फ्रैक्शन वे होती है जो सेम डेनोमिनेटर रखती है, यानी कि जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं वे लाइक फ्रैक्शन होती है। अनलाइक कौन सी होती है, जो जिसके डेनोमिनेटर सेम नहीं होते, है ना। तो देखिए किसके डेनोमिनेटर सेम है, ऊपर जो डिजिट है वो न्यूमरेटर कहलाती है, लाइन के नीचे जो डिजिट होती है वो डेनोमिनेटर कहलाती है, है ना। तो 666 समय 6 है तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो आप इसका आगे लिख देंगे लाइक, LIKE लाइक। अब ये वाली देखिए 16, 16, 18, 19, तो अनलाइक है ना। तो सभी एक जैसे होने चाहिए थे, ये नहीं 2, 16 है तो लाइक हो गए, नहीं, पूरा ग्रुप तो भाई 4 ही फ्रैक्शन का है ना, तो पूरे ग्रुप को देखना है आपको, तो ये अनलाइक है,
ठीक है जी। अब ये वाला अलेविन अलेविन 1370 तो ये भी अनलाइक है, नाइन 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 तो लाइक हो गया है ना, तो ये लाइक हो गया। तो आपको पता चल गया जिनके डेनोमिनेटर सेम हो तो वही लाइक फ्रैक्शन कहलाएगी है ना, बाकी सब अनलाइक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन, अब है ये कह रहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, समान भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन समान भिन्न कौन सी होती है ना, हिंदी में समान कहते हैं। देखिए स्टूडेंट आपने प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन याद कर ली होगी, आपने समझ लिया होगा कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होती है जिनके न्यूमरिनेटर छोटे और डेनोमिनेटर बड़े होते हैं है ना, यानी कि ऊपरली डिजिट छोटी और निचली बड़ी होती है ना लाइन के। तो देखिए तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इस प्रॉपर के लिए पी लिख देंगे ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए ये 9/4 है तो ये इम्प्रॉपर है, अगर उल्टा हो जाए ऊपर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डेनोमिनेटर छोटा हो जाए तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो हम यहाँ पर आई पी लिख देंगे, वैसे ये कह नहीं रहा कि आप इसे लिखो है ना, ये कह नहीं रहा, ये हम अपने आप ही आपसे लिखवा रहे हैं ठीक है ना। ये आई फॉर इम पी फॉर प्रॉपर, आई पी इम्प्रॉपर, और ये एन छोटा है डी बड़ा है तो प्रॉपर, एन बड़ा है डी छोटा है तो इम्प्रॉपर ठीक है जी। 15 एन छोटा है डी बड़ा है तो प्रॉपर ठीक है स्टूडेंट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें कह रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है ना, दोनों क्वेश्चन एक जैसे है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपना आप ही कर लेंगे। एन बड़ा है डी छोटा है तो आई पी लिख दीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन छोटा है डी बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, थ्री एन छोटा है डी बड़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन, एन छोटा है डी बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एन बड़ा है डी छोटा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इंटीग्रल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो नीचे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है इनमें से आपको छांट के बताना है कि इनमें फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, इंटीग्रल पार्ट कौन सा है। ओके स्टूडेंट तो आपको बताना है इनमें कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा होता है, इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है। देखिए ये तो हमारी फ्रैक्शन होती है, 1/7 तो हमारी फ्रैक्शन है और 6 है हमारा होल, तो होल कह लो या इंटीग्रल कह लो बात एक ही है। तो आप यहां आई लिख लेंगे, आई लिख के लिखेंगे उसका आगे 6 और एफ लिख के उसका आगे लिखेंगे 1/7, बस सब में ऐसे ही होना ठीक है जी। आई यानी कि इंटीग्रल पार्ट 2, एफ फ्रैक्शनल पार्ट 3/7, आई इंटीग्रल पार्ट 4, एफ फ्रैक्शनल पार्ट 5/7, आई इंटीग्रल पार्ट 11, फ्रैक्शनल पार्ट 3/4, आई 21 इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट 4/9 है ना। जो फ्रैक्शन में लिखा होता है यानी के पी अपॉन क्यू के रूप में जो भी डिजिट लिखी रहती है वो सब फ्रैक्शनल होगी, और जो अकेली होगी तो वो होल पार्ट होगा ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, याद रखें हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होती है जिनका एन बड़ा और डी छोटा होता है ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एन को डी से डिवाइड करेंगे ठीक है जी, एन को डी से डिवाइड करेंगे
N45 है, D11 है, कितनी बार हो जाएगी? 4 जा चल जाएगी, 4 जा 44, रिमाइंडर 1। तो जो भी आंसर आएगा ये तो आपका होल होगा, WHOLE होल, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका न्यूमरेटर होगा। ठीक है जी, और जिससे आपने भाग दिया वो डेनोमिनेटर होगा। ठीक है जी, तो जो होल होगा सबसे पहले आपको होल लिखना, और होल के बीच में बीच से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से जरूरी है याद रखना कि होल के बीच में बीच से लाइन खींचेंगे। ठीक है, और जो नीचे बचेगा रिमाइंडर वो 1 हो जाएगा, और जो डेनोमिनेटर होगा वो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई इसका चेकिंग वे मिल जाए, कोई पता चल जाए कि भाई आंसर सही है गलत है ना, तो आप क्या करेंगे, 11 के और 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि होल के या डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कीजिए, 11 4 44, और जो न्यूमिनेटर है उसे प्लस कर दीजिए, 1 कितना हो जाएगा 45। अगर यही संख्या आ जाए ना होल सोल्व करने के बाद, तो आपका सवाल सही है वरना गलत है। ठीक है जी, अब भी ट्वेंटी सिक्स अपॉन 9, तो जी करिए 26 को 9 से कितनी बार हो जाएगा, 2 जा 3 जा तो अधिक हो जाएंगे, 2 जा चला लीजिए 80, यहाँ होगा 16 में से हट गए 8 और यहाँ 0, तो ये W, ये M और ये D, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, या इंटीग्रल कह सकते हैं आप इसे। ठीक है जी, पहले आप इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे 2 और I, W और या I, होल या इंटीग्रल पार्ट, 2 होल 8 अपॉन 9 आंसर। ठीक है जी, आपका आंसर आ गया। तो जिसे भी फ्रैक्शन में चेंज करना कर लीजिए। फिफ्टी 4 जा 60, 3 हो गया। अब जब आप उसके याद रह जाएंगे भाई ये होल होता है, ये होल बनता है, ये एन बनता है, डी बनता है, तो अब इन पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है बार बार, है ना, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 4 होल 3 अपॉन 50। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप ये होल सही नहीं लिखते तो आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे थोड़ा सा ऊपर को लिख दिया होल को, तो ये 43 पड़ा जाएगा, होल नहीं रहने का, या आपने इसे थोड़ा नीचे को लिख दिया यहाँ को, तो ये 415 पड़ा जाएगा, होल नहीं रहने का। तो इसलिए होल लिखते वक्त इस बात को सावधानी से लिखे कि होल हमें कहाँ लिखना, लाइन जो है वो होल के बीचों बीच से होनी चाहिए। ठीक है जी, डी 21 अपॉन 5, फाइव हो जा 21, 4 होल 1 अपॉन 5, अगर आप चेक करना तो 4 के 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, और 1 जोड़ देंगे 21 होगा, 21 अपॉन 5 आ गया ना ये आंसर। तो 2 होल 5 अपॉन 6 आंसर।
ठीक है जी, हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चेंज इनटू द प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। जो फ्रैक्शन दी गई है यानी कि आपको मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, आपको इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करनी है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें होल नहीं होते, यानी कि इंटीग्रल पार्ट नहीं होता और ऊपर का बड़ा होता है नीचे का छोटा होता है, यानी कि एन बड़ा होता है बी छोटा होता है, ठीक है। ऐसे रूप में आपको इन्हें चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम स्टूडेंट हम आपको एक फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं, याद नहीं करा रहे, बनाना सिखा रहे हैं ताकि याद करने की आवश्यकता ही ना पड़े। सबसे पहले इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है होल, तो यहाँ होल लिखेंगे डब्ल्यू एच ओ एल ई, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का जब चिन्ह लगाएंगे, इसका क्या नाम है डेनोमिनेटर, तो यहाँ डेनोमिनेटर लिखेंगे डी ई एन ओ एम आई एन ए टी ओ आर डेनोमिनेटर। फिर आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर एन यू एम ई आर ए टी ओ आर न्यूमरेटर, और फिर इसके एक नीचे लाइन ड्रा कर लेंगे और उसके नीचे लिखेंगे डेनोमिनेटर, ये है ना डेनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला है, इससे आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना भी कह सकते हैं, इसे आप होल रिमूव करना भी कहते हैं, इसी को आप होल सोल्व करना भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो हमें ये होल हटाने ही होंगे। होल हटाने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, ठीक है। तो ही नाम है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे बना ले, उल्टा है दूसरे का। तो होल कितना है 6, मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर डेनोमिनेटर कितना है 8 जी, फिर क्या है प्लस, एन कितना है 7 और डी कितना है 8, तो ऐसे लिख देंगे 8 6 48 प्लस 7, एक बार में एक ही सोल्व कर रहे है ना। 8 और 7 कितना होता है 15, तो कितने हो जाएंगे 15 होता है 55 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गई, या आप सोच लीजिए इसके होल हट गए, है ना। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कि भाई हमारा आंसर सही आया गलत आया, तो इसका चेकिंग हुए क्या है, जो उसका चेकिंग हुए था इसे 55 को 8 से डिवाइड कर दो, है जी 8 6 48, यहाँ 15 हो गए, 15 में से 8 गए 7, तो 6 होल 7 अपॉन 8। अगर यही वाली डिजिट दोबारा आ जाए डिवाइड करने के बाद, तो आपका सवाल सही है वरना गलत है, ये आपका चेकिंग हुआ है, ठीक है जी। अब बी वाला 3 होल 7 अपॉन 9, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को शॉर्ट में लिख लेंगे, W मल्टीप्लाई डी प्लस एन अपॉन डी, ठीक है जी। W कितना हमारा 3, D कितना हमारा 9 प्लस 7 अपॉन 9, 9 3 27 प्लस 7 अपॉन 9 इक्वल टू कितना हो गया 34 अपॉन 9, आंसर आ गया, है ना। तो वैल्यू सी वाला 8 होल 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 8 5 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन 6, 6 8 48 प्लस 5 अपॉन 6 कितने हो गए, अगर जोड़ेंगे 53 हो जाएंगे, 53 अपॉन 6
आंसर आ गया। अब है डी, कोई डी चमक नहीं रहा नहीं। चलो फाइव होल नाइन अपॉन टेन, तो यह फॉर्मूला लिख नहीं रही भाई, इस बार ऐसे ही लिख लेंगे, फाइव अपॉन टेन प्लस नाइन अपॉन टेन, फॉर्मूला लिखना तो आपसे आएगा, तो क्या होगा, फिफ्टी प्लस नाइन अपॉन टेन इज इक्वल टू फिफ्टी नाइन अपॉन टेन आंसर, ठीक है जी। अब ई, फोर होल अलेवन अपॉन थर्टीन, तो फोर मल्टीप्लाई थर्टीन प्लस अलेवन अपॉन थर्टीन, तो थर्टीन फोर जो कितना हो गया फिफ्टी टू प्लस अलेवन अपॉन थर्टी, तो कितना हो जाएगा, वन टू और वन थ्री और फाइव वन सिक्स, तो स्टूडेंट ये हो गया और ये आंसर आपका आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द यूनिट फ्रैक्शन, स्टूडेंट आपको इनमें कौन सी यूनिट फ्रैक्शन है उन्हें छांटनी है, तो सबसे पहले आपको यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। यूनिट फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है, यूनिट फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमिनेटर वन होता है, ठीक है जी, और कुछ भी याद नहीं रखना, बस याद रखना कि ऊपर वाली जो डिजिट है ना लाइन के ऊपर वो वन होनी चाहिए, तो वो यूनिट फ्रैक्शन है। देखिए ये नहीं है, यहाँ क्रॉस लगा दीजिए, ये है तो यहाँ यू लिख दीजिए, यू फॉर यूनिट फ्रैक्शन, या आप पूरा भी लिख सकते हैं, ये नहीं है क्रॉस लगा दीजिए, इस पर वन है तो इस पर आगे यू लिख दीजिए, ये नहीं है इस पर क्रॉस लगा दीजिए, तो यूनिट फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन है, वन अपॉन एट और वन अपॉन ट्वेंटी टू, ठीक है जी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन और ए होल फ्रैक्शन, स्टूडेंट इनमें आपको एक्सप्रेस करना है इन्हें कि ये मिक्स फ्रैक्शन है या आपकी होल फ्रैक्शन है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, थ्री को टू से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ गया, वन आ गया, तो हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वन होल वन अपॉन टू, तो ये हो गया। अब इसे वैसे कर लेंगे, थ्री वन जा थ्री बच गया वन, तो वन होल वन अपॉन थ्री, ठीक है जी, तो ये आंसर आ जाएंगे। अब टू टू जा फोर, अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता डिवाइड करने के बाद, तो वह होल फ्रैक्शन है, कौन सी है, होल फ्रैक्शन, यानी कि पूरा पूरा आ गया, फ्रैक्शन नहीं आई जी, फ्रैक्शन नहीं आई तभी तो होल हुआ ना। अब 17 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएंगे, ओ 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 होल 2 अपॉन 5, ठीक है जी, 2 होल 3 अपॉन 5 आंसर आ जाएगा। अब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9, ये होल है ना पूरा है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होती अपॉन में नहीं होते तो वो होल होता है, जिसमें अपॉन नहीं होता है, और जिसमें अपॉन होता है वही फ्रैक्शन होती है, ठीक है जी। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन,
इन आपको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। अगर कोई भी डिवाइड है उसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। जो पहली संख्या है उसे आप शुरू में ऐसे लिख दीजिए और अपॉन ये बीच में लाइन खींच के इसके नीचे 5 लिख दीजिए, 7/9 और जी 15/25, ठीक है जी। जो पहले डिजिट है उसे ऊपर ही लिखनी, जो ये चिन्ह है इसकी लाइन बना देनी और जो नीचे है उसे नीचे लिखना। पहली संख्या एन, दूसरी डी, एन डी एन डी एन डी। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज 12.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।